वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एसटीडी। दोस्तों दिस इज द प्रीवियस ईयर सीरीज। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हों, सीपीओ की, रेलवे की या सीएचएसएल के लिए, नंबर सिस्टम का ये है पार्ट 29। इससे पहले मैं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 28 तक प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने 340 क्वेश्चन ऑलरेडी कम्प्लीट करा चुका हूँ। इसकी प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ, जो लोग नहीं देखे हों देख सकते हैं। इस वीडियो में हम करके आ रहे हैं 1999 से लेकर के 2017 तक के जितने भी एसएससी के आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके लिए हमने जो बुक्स लिया सजेस्ट किया गया है वो है 7300+। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 341 to 350 के वीडियो सॉल्यूशन। एंड जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो लोग डायरेक्टली ज्वाइन होना चाहते हैं वो 7300+ मैथ, ये अपने टेलीग्राम ऐप्स में सर्च करें, वहाँ पर आपको इस बुक की फ़ोटो मिल जाएगी और डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हैं। देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 341। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए नंबर एक्सीड टू इट्स 2/5/75 द नंबर इज। क्वेश्चन कहा जा रहा है एक संख्या अपने 2/5 से 75 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए कोई संख्या यानी कि हमने नंबर माना क्या एक्स, अपने 2/5 यानी 2/5 ऑफ एक्स इससे क्या है 75 अधिक है, यानी कि अगर मैं बराबर करूँ तो ये क्या हो जाएगा 75। ये 75 अधिक है ना ये वाला नंबर। एक तो तरीका ये है, दूसरा क्या है, मैंने आपको बताया था हमेशा कि मोर और लेस वर्ड आए डैट मीन्स दो क्वांटिटी का क्या दिया हुआ है डिफरेंस। अब देखो कोई एक संख्या थी, दूसरा क्या था 2/5x उसी संख्या का, और कितना अधिक है 75 अधिक है यानी ज़्यादा है। जब भी मोर और लेस वर्ड आए डैट मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस, और डिफरेंस क्या होता है बड़े में से छोटा, और ये क्या है 75। दोनों की बात सेम है, इसको भी इधर लेके आओगे तो माइनस यहीं बन जाएगा, यानी कि आप ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है अब देखिए अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लूँगा तो कितना हो जाएगा 5x - 2x कितना हो गया 3x/5 = कितना हो गया 75। 3 से कैंसिल हो गया 25, तो x की वैल्यू कितनी होगी 25 × 5, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 125, यानी हमारा जो संख्या थी जो नंबर्स था वो कितना है 125। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 342, ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन करा द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ इतना इंटू इतना। अब देखिए इसमें से हम इसको घटा रहे हैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ 0.0539 में से हम क्या घटा रहे हैं 0.002। अब देखिए घटाएंगे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जीरो मान लें तो कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 150 पॉइंट, ये यानी हमारा इसकी सॉल्व करने पे हमारा आ गया 0.0519 मल्टीप्लाई ये क्या है 0.4 प्लस। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए तो आपको क्या करना है 56 में 7 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 7×6 = 42, कैरी 4, 7×5 = 35, 35×4 = 39। देखिए हमने लिख दिया। अब देखिए राइट हैंड साइड से दो अंक के बाद डेसिमल है, दो डिजिट के बाद है, और इधर भी क्या है दो डिजिट के बाद, दो दो कितना हो गया ऐड हो जाता है 4, मल्टीप्लाई में हो तो ऐड हो जाता है 4, तो 1, 2, 3 और 1, 4 यहाँ पर आपका डेसिमल होगा। डिवाइडेड बाई नीचे को मैं क्या लिख सकता हूँ 4/100 × क्या लिख सकता हूँ 25/100, बस मैं ये लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, अब मैं आगे क्या करूँगा, आगे अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, तो आप सिंपल क्या कीजिए, आपको सिंपल सिर्फ आपको इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करूँगा 9 × 4, 9×4 = 36, कैरी 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, और 5×20। अब देखिए राइट हैंड साइड से 1, 2, 3, 4 अंक के बाद डेसिमल है, और इधर एक अंक है 4, 1, 5 अंक के बाद डेसिमल होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5 अंक के बाद क्या हमने दे दिया डेसिमल, प्लस इधर क्या था 0.0392 डिवाइडेड बाई वो 25 × 4 100 होगा, वो 25×4 = 100, 4 से 4 कैंसिल, यानी ऊपर सिर्फ ये चला जाएगा। चलिए मैं लिख ही देता हूँ 1/100 नीचे रहा, एक बार फिर देख लेंगे बाद में। अब देखिए एडिशन करना है 0.02076 और इसमें 0.0392 कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख दूँ 0, इसका ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 6, 7×2 = 9, ये कितना हो गया 9, ये क्या हो गया 5, 0.0 आपके पास आ गया
0.05996, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 100 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 100, यानी कि देखो जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड से ये दो, यहाँ पे डेसिमल है, दो अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5.99, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 5.996, यानी हमारा आंसर कितना होगा 5.996 होगा। और कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये तरीका है, अगर नहीं भी है तो आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो 5996000 लिख लो, कितने अंक पे डेसिमल था, 1 2 3 4 5, पांच अंक के बाद, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 5.996, ये भी तरीका है। नहीं तो आप अगर जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो तो ये राइट हैंड साइड दो अंक पे शिफ्ट हो जाएगा अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तरीका होता है करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन आपको CPO 2015 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है ये 343। देखिए 343 क्या कहा जा रहा है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर डैट विल बी मल्टीप्लाई विथ इतना टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, द नंबर एक्स इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज। क्वेश्चन आपके पास समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। देखिए आपको क्वेश्चन बनाने से मतलब है, आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता होना चाहिए, अगर आपके पास तरीका पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर डैट विल बी मल्टीप्लाई, ठीक है, डैट विल बी मल्टीप्लाई टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 59535 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम करते क्या हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ठीक है, हाँ, तो अब मैं आपको बोलना चाह रहा था कि इसमें कहा जा रहा है कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी एक्स जो है क्या मल्टीप्लाई इसमें किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जब भी ऐसे वर्ड आ जाए ना कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो जो गिवेन है ना उसको हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं, यानी कि प्राइम नंबर में ब्रेक करते हैं। प्राइम नंबर आपको पता है ना, 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से हम ब्रेक करते हैं, 11, 13। तो इसको हम किस तरह से, आप बताओ इसमें से क्या छीन लूँ, 5 छीन लूँ तो 5 × 5 से डिवाइड करूँ तो 5 × 5 कितना हो गया, 5 × 5 5 × 5 = 45, नहीं गया 0, 5 × 7 = 35, हमने ये छीन लिया। फिर अब आपको पता है कि देखो 5 छीन लिया तो इसमें क्या है, 3 × 9 = 16, 1 × 17 = 18, 3 से कट जाएगा, इसमें से मैं क्या कर लूँ, 3 छीन लूँ तो फिर भाग दूंगा, तो तितली के 9, 2 बचा, 3 × 9 = 27, 2 बचा, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27। अब देखो 5, 3 को ऐसे ही रहने दो, अब ये क्या 3 से कट जाएगा, इसमें से फिर मैं 3 छीन लेता हूँ तो 3 से भाग देना पड़ेगा, तो 1, 3, 2, 3। अब देखो 5 × 3 × 3 ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें से फिर क्या 3, 2, 5, 3, 8, 1, 9, 3 से कट जाएगा, यानी 3 इसमें से मैं फिर छीन लूँगा, 3 छीन लूँगा, 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 × 12, 3 × 3 = 3। अब देखिए ध्यान से, 5 × 3 × 3 × 3 × आपको ये पता है क्या कि 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, तो मैं इसको क्या लिखूं, 21 × 21 लिख दूं। देखिए यानी कि 5 × ये 3 बार आया, यानी 3 पे पावर 3, यहाँ से देखो यहाँ 3 × 7 है और यहाँ भी क्या है 3 × 7। अब देखिए ध्यान से 5 × 3 पे पावर, अब देखो 3 पे पावर 3, 1, 3 यहाँ पे 1, 3 यहाँ, यानी 3 पे पावर 5 हो गया, 5 पे पावर 1 था, 3 पे पावर 1, और 7 पे पावर क्या हो गया, 2। अब हमने इसको फाइनली, मैंने इतना आपको सिखाने के लिए बताया था, हमने फाइनली ब्रेक क्या कर लिया इस तरह से कि इसको हमने ब्रेक कर लिया किस फॉर्म में कि 5 पे पावर 1 × 3 पे पावर 5 × 7 का स्क्वायर, हमने इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लिया। क्यों, क्योंकि 3, 5 और 7 क्या होते हैं, 3, 5, 7 प्राइम फैक्टर होते हैं। अब देखिए ध्यान से, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए क्या होना चाहिए, इवन नंबर पावर, पावर क्या होना चाहिए, इवन नंबर। अब देखो ये तो पावर इवन नंबर है, इसको तो ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं इसमें एक 5 दे दूँ और इसको एक 3 दे दूँ
तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 5 पे पावर 2 हो जाएगा और ये 3 पे पावर 6 हो जाएगा, यानी हमें देना पड़ेगा क्या 5 इंटू 3। डेट मीन्स वो नंबर जो होगा हमें 15 इसमें देना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें 15 से, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई 15, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, यानी इस नंबर का सम। तो 5 और 1, 1 प्लस 5 करूँगा तो क्या हो जाएगा 6। हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक पूछा जा रहा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये। तो ये करने का तरीका होता है। और देखो बुक्स में क्या होता है ना, बुक्स में आपको डायरेक्टली ये लिख दिया जाएगा, लेकिन आपको ब्रेक करने का तरीका आना चाहिए, और ये प्रोसेस आपको सीखने के लिए ही आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 344। देखिए 344 एक क्या है, जस्ट लाइक एक सीरीज दी गई है, आपको सीरीज देखते ही पहचान जाना चाहिए था। देखिए जैसे मैं इसमें करूँगा तो एलसीएम लेता हूँ, तो 3 × 6 − 1 कितना हो गया 5/3, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये अब इसकी काम खत्म हो गई। अब इसका मैं लेता हूँ तो 5 × 10 = 10 − 3 यानी 7/5। नेक्स्ट इसको लिखता हूँ, काम खत्म कर, नेक्स्ट इसको 7 × 14 = 14 − 5 9 × 5 = 14 होता नहीं 9/7। सो ऑन ऐसे ही सीरीज चला जाएगा। नेक्स्ट में क्या करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई 2 करूँगा, तो देखो क्या हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई ऐसे नहीं किया जाता, इसको 1000 − 1 कर लूँ तो कितना हो गया 2000 − 2, डेट मीन्स कितना 1998, यानी 1998 में से इसको घटाऊँगा 997 को, तो कितना हो जाएगा 1001। यानी ऊपर आपने एलसीएम लोगे इस तरह से तो आपका ऊपर कितना आएगा 1001, नीचे कितना आ जाएगा 999। अब देखिए आपको एक चीज़ इस सीरीज में पता चल गई कि देखो इस तरह से ये कट रहा है, इस तरह से ये कट रहा है, इस तरह से यहाँ से ये कट जाएगा, इससे पहले क्या ये वाला भी यहाँ पे 99 होगा, इससे ये कट जाएगा, यानी बचेगा क्या ऊपर में बचा 1001, नीचे में क्या बचा सिर्फ डिवाइडेड बाई 3, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपको करने का तरीका पता होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी 70 डेज कोर्स में सिंप्लीफिकेशन टॉपिक्स में करा चुका हूँ, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस एंड सिंप्लीफिकेशन टॉपिक मैंने दोनों अच्छे से कंप्लीट कराए हूँ, उसमें इस टाइप्स की सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ले रखा हूँ। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 345। 345 क्या देगा कि 0.87 का स्क्वायर दिया हुआ है। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 0.87 का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 0.13 का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस क्या दिया 0.87 × 0.26 इस तरह से, और इसका क्या दिया गया है 2013। अब देखिए आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, देखो मैं इसको लेट सपोज, इसको मैं ए सपोज करता हूँ तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, इसको लेट सपोज मैं बी करता हूँ तो बी स्क्वायर प्लस, देखो अब आपको पता है ना 2AB होता है, तो इसमें से मैं 2 खींच लूँ तो 2 × खींचूंगा तो कितना है 0.13 लिख दूंगा, 13 × 26 होता है, यानी देखो 2 लिख दिया, A क्या है यही हमने माना है A, और ये क्या है B, 2AB के फॉर्म में आ गया, क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB क्या होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है, यानी A की वैल्यू क्या है ये 0.87 प्लस इस फॉर्मूले पे रख रहा हूँ बी की वैल्यू हमने क्या निकाला है, देखो बी ये है 0.13 और इसका क्या होना चाहिए स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है आपको 2013। जैसे ही इसको ऐड करोगे तो 7 × 3 = 10 8 × 1 = 9 = 10 और क्या है 10 कैरी कितना हो जाएगा 1, यानी कि इसको जोड़ूंगा तो 100 होगा, और कितने अंक पे डेसिमल है एडिशन में 2 अंक पे डेसिमल है, तो राइट हैंड साइड से 2 अंक पे डेसिमल, यानी ये इस पे का स्क्वायर उसके ऊपर क्या है 2013। अब देखो ये तो क्या हो गया 1 हो गया, ये टोटल क्या हो गया 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, और 1 पे दुनिया का 1 के ऊपर दुनिया का कितना भी पावर रख लो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ये भी क्वेश्चन देखिए CPO 2015 में पूछा हुआ है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आपको SSC CGL 2015 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 346। अब देखिए ये क्वेश्चन CPO 2015 में पूछा गया है, क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे ऐसे दिया हुआ है, देखिए 4/15 ऑफ इतना, तो सबसे पहले हम इसमें क्या हम यूज करते हैं बोर्ड मास रूल, ठीक है
बोर्ड मास रूल आप सारे लोग टेंथ क्लास में भी पढ़े होंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑफ वाले को ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट तो है नहीं, तो ऑफ वाले को सोल्व करें। तो देखो 4/15 ऑफ वाले, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 5/8 इंटू क्या दिया हुआ 6+15-10। तो सबसे पहले यहाँ ऑफ था तो इसको सोल्व करें, तो 5 × 3 = 15, 4 × 2 = 10, यानी कितना हो गया इसका सोल्व किया तो कितना हो गया 1/6 इंटू में क्या है 6+15-10, इसको मैं हटाऊंगा तो कितना हो गया 1। अब यानी कि 1+15-10, तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है एडिशन, ऐड कर दूँ इसको तो 15+1 = 16-10, डैट मीन्स 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में आपको यही बोर्ड मास रूल का अप्लीकेशन होता है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ यानी का, डी फॉर डिवीजन यानी भाग, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा, उसके बाद एडिशन यानी जोड़, उसके बाद सबस्ट्रैक्शन यानी घटा, बस इसका रूल यूज करना था। ऐसे क्वेश्चन आपको SSC CHSL में भी पूछे जाते हैं, CGL में भी पूछे जाते हैं, ये देखो 2015 CPO में पूछा गया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन द फॉलोइंग इक्वेशन, इतना इज इतना प्लस इतना को जोड़ोगे तो ये बनेगा, दिए गए समीकरण में एफ का अधिकतम मान निकालें जब इतना 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 को इतना जोड़ने पे, और ई एफ जी प्रत्येक संख्या को दर्शाते हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ है 5E9, दूसरा दिया हुआ है 2F8, तीसरा दिया हुआ है 3G7, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो आता कितना है हमारा 4111। अब देखिए अगर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, देखो इसको जोड़ोगे 9, 8, 17, 17, 7 क्या हो गया 24 होता है, तो हमने इसको लिख लिया यहाँ पे, तो कैरी हमारा जो जिसको बोलते हैं हिंदी में हासिल, वो क्या बचा 2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा। अब इन दोनों को हमें इसको ऐड करना होगा तो हमें क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना, यहाँ पे 1 आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर 1 आएगा तो ये 1 कैरी होगा, तभी तो देखो 5, 2, 7, 3, 10, लेकिन यहाँ पे 11 है, यानी 1 यहाँ पे कैरी आया होगा, यानी इसको जोड़ने पे कुछ आया होगा, यानी 11 आया होगा, तभी तो ये होगा। देखो 2+E+F+G, अगर इन सारे को मैं जोड़ूंगा तो 11 आएगा, तभी तो हमने 1 यहाँ पे लिखा, इसका 1 हमने यहाँ पे लिखा, और 1 कैरी होगा, तभी तो 5, 2, 7, 3, 10 और 1 कैरी 11 होगा, यानी कि ये चीज़ हमें कंडीशन पता चल गई। जैसे ही हमने 11, क्यों 11 लिखा, क्योंकि 11 लिखेंगे तो 1 यहाँ पे लिख देंगे और 1 ऊपर चला जाएगा हासिल में, तो ये ऐड होके 11 होगा, और इसीलिए हमें पता चल गया। अगर 21 आप कहोगे 21, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 कैरी तो नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन यहाँ तक तो पता चल गया, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, एफ का मैक्सिमम वैल्यू, अगर इसको मैक्सिमम बनाना है तो बताओ इन दोनों को मिनिमम करना पड़ेगा, यानी इनकी वैल्यू को क्या करना है, मिनिमम का मतलब क्या, ये संख्या है तो 0 करना पड़ेगा, यानी 2+F = क्या लिखना पड़ेगा 11, तो F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 11-2, डैट मीन्स 9, यानी 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए CGL मेंस में, देखो ये क्वेश्चन मेंस में 2015 में पूछा गया है, तो आपको करने का तरीका होना चाहिए। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ऐसे ये सीरीज क्या फ़ायदेमंद है, देखो यार फायदेमंद इसलिए है कि आपको अगर थिंकिंग प्रोसेस पता है, आपको अगर लॉजिकल और कॉन्सेप्ट पता है, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। ये क्वेश्चन CPO में नहीं, CGL मेंस में नहीं, CPO 2015 में पूछा हुआ था, ये हम ऊपर की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन ये मेंस में पूछा हुआ है 2015 में। देखिए दिया हुआ है आपको कि द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट इतना, देखिए 2, 4, 6, 7 पे पावर दिया गया 153 इंटू 3, 4, 1 पे पावर 72। मैंने आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूँ कि यूनिट डिजिट कहे तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होता है, बाकी चीज़ को हटा दीजिए। अब देखो 1 पे दुनिया का कितनी भी पावर होगा उसका यूनिट डिजिट 1 होता है, क्योंकि मैंने बताया था 0, 1, 5 एंड 6, इस पर कोई भी दुनिया का पावर होगा, इनका चेंज यूनिट पावर, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। अब मैंने उसके बाद बताया था कि 2, 3, 7, 8 आ जाए तो
तो इसका यूनिट डिजिट, इस पे पावर यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, चार से डिवाइड करते हैं जो पावर होता है। तो पावर को चार से डिवाइड करेंगे और चार से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसी को बैठाएंगे उसके पावर में। लेकिन हम वे भी नहीं करते, चार के डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, सिर्फ लास्ट का टू डिजिट देखेंगे। तो सात का देखेंगे, चार से भाग दूंगा, चार इकाई चार, चार तीन बारह, रिमाइंडर कितना बचा, शेष बचा वन, यानी रिमाइंडर बचा वन, यानी इसके पावर बैठा देंगे। तो सेवन पे पावर वन इंटू सेवन पे पावर वन का मतलब सेवन इंटू वन, सेवन इंटू वन का मतलब क्या, सेवन, यानी यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया, सात। तो ये देखिए क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया है। अब बुक्स में क्या करेगा, इसकी साइक्लिसिटी बताई गई है, क्या ज़रूरत है यार। अगर जो लोग 70 डेज कोर्स वाली मेरी देखे होंगे तो उनको मैंने बता दिया था कि इसको, ये जिस पे पावर को क्या करते हैं हम, चार से डिवाइड करते हैं, बिकॉज की क्या होती है साइक्लिसिटी इनकी होती है फोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2015 में पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत आसान दिया गया था। चार ग्रेटेस्ट नंबर अमोंग द फॉलोइंग इज, आपसे दिया गया 3 पे पावर 50, दूसरा दिया गया 4 पे पावर 50, तीसरा दिया गया 5 पे पावर 30 एंड 6 पे पावर 20। जब भी इस टाइप्स के क्वेश्चन का है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्च एंड इंडिसेस का रूल पढ़ते हैं। सर्च एंड इंडिसेस में क्या होता है कि ए पे पावर एम इंटू एन होना, तो उसको हम खींच लेते हैं, ए पे पावर एम को अंदर खींच लेते हैं और ये होता है, और ये अंदर रहे तो ये भी रूल हम अप्लाई कर लेते हैं, बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो ध्यान से, मैं इसको क्या लिखता हूँ, 3 पे पावर, इसको मैं एक बार लिख रहा हूँ, 10 × 5 लिख सकता हूँ, तो 5 को अंदर खींच लूँ, इस 5 को अंदर खींच लूँ तो 3 पे पावर 5, ऊपर 10 हो गया। उसी तरह से देखो 4 पे पावर 10 × 4, यानी 4 को अंदर खींच लिया 10, यानी 10 × 4 = 40। उसी तरह देखो 5 को इसमें से क्या, 10 × 3 को अंदर भेज दिया, 10 ऊपर रहने दिया, ठीक है। इसी तरह 6, ये 10 × 2 को यहाँ पर रहने दिया, ये 10, क्योंकि ये फिर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई 10 × 2 = 20 हो जाएगा, 10 × 3। ये अब देखिए 3 पे पावर 5, अब 3 पे पावर 5 को कैसे निकालोगे, देखो 3 पे पावर 4 होता है 81, और एक और 5, 3 है, यानी कि क्या हो गया 243, यानी ये क्या हो गया 243 पे पावर 10। हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें पावर क्या हम कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, पावर सेम। तो देखो ये कितना हो गया 4 पे पावर 4, अब देखो 4 पे पावर 4 आपको पता होना चाहिए, 4 पे पावर 4 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर × 4 का स्क्वायर, 16 × 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 256 पे पावर 10। 5 का क्यूब कितना होता है 125 पे पावर 10, ये कितना हो जाएगा 36 पे पावर 10। अब देखिए ध्यान से, इन हमने क्या किया, पावर सेम बना दिया। देखो हर जगह पावर क्या है, सेम, यानी जिसके अंदर का टर्म्स बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा टर्म्स किसके अंदर का है, ये, यानी ये वाला जो होगा सबसे लार्जेस्ट होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये मैं आपको समझाने के लिए डिटेलिंग में किया हूँ, अदरवाइज मैं इसको ओरली कर सकता था क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, देखिए क्वेश्चन नंबर 350 क्या कहा जा रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या अच्छा क्या है, आपको देखो ये सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखना कितना बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ऐसा नहीं कि मेंस में क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं, अगर 100 क्वेश्चन है तो आपसे 80 क्वेश्चन ईजिली बना लोगे अगर आपको नॉलेज है, तो 20 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिटेल्स मेहनत करनी पड़ेगी तो आप कर सकते हो। इस बार क्या, अभी जो पेपर था ना 2017 का, टफ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, 75 क्वेश्चन ईजी थे, 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन मॉडरेट थे, और कितना हो गया 85, और 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। अगर आप 85 क्वेश्चन भी बना के आते ना तो आपको 170 प्लस मार्क्स आते और आपके स्कोर 500 के अंदर आ जाएंगे। लेकिन आप लोग, प्रॉब्लम क्या है ना कि जो मार्केट में जो बोली जाती है बहुत टफ था, आप उसी के पीछे भाग जाते हो, आप क्वेश्चन के पेपर को देखते नहीं, क्या रियल में उतना टफ था या क्वेश्चन का पेपर। और ऑलरेडी है यार, थोड़ा सा लेवल नहीं बढ़ाया जाएगा तो प्री और मेंस का मतलब क्या रह जाएगा, प्री का मतलब और मेंस का मतलब क्या रह जाएगा, अगर दोनों में लेवल सेम ही रहे, डैट मीन्स कि मेंस का मतलब ही होता है थोड़ा सा लेवल अप। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सारे लोग लैंग्वेज में फंसते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाई मिस्टेक अनिता स्क्वायर ऑफ ए नंबर देन सबस्ट्रैक्टेड 25 फ्रॉम इट रेदर देन फर्स्ट सबस्ट्रैक्टेड 25 फ्रॉम द नंबर एंड द स्क्वायरिंग इट बट सी गॉट राइट आंसर व्हाट वॉज द गिवन नंबर। कहा जा रहा है कि अनीता एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या के वर्ग करके, देखो जो मान लेते संख्या n है, इसका पहले वर्ग किया, स्क्वायर किया गया, स्क्वायर ऑफ ए नंबर,
एंड 25 घटाने पे हमने 25 घटाने घटाने के बजाय गलती से उसने क्या कर दिया, 25 घटाने के बाद 25 देखो उसने क्या कर दिया, गलती क्या की, पहले चीज की उस देखो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कोई एक अनीता लड़की है, उसने कोई भी प्रॉब्लम की सॉल्व कर रही थी तो किसी संख्या के वर्ग करके पहले उसने वर्ग किया, स्क्वायर किया, उसमें से 25 घटाया। ये करना था उसको रियल में, लेकिन उसने क्या कर दिया कि संख्या में से 25 घटाने के बाद वर्ग किया, यानी संख्या में से 25 घटाने के बाद स्क्वायर किया, लेकिन फिर भी उसका उत्तर करेक्ट आया। यानी कि करेक्ट करना था ये, उसने इनकरेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी उसका आंसर क्या आया, सेम। यानी कि जो करेक्ट और इनकरेक्ट की वैल्यू क्या है, बराबर। जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो अब ध्यान से देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेंस का क्वेश्चन था, लेकिन आपको सिर्फ क्या समझना होता है, जैसे देखो मैंने बोला कि भाई आप राइट करोगे, एक क्वेश्चन राइट करोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और मैंने बोला कि आप गलती भी कर दिए क्वेश्चन तो भी 4 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि राइट जो आपने सही किया उत्तर और गलत किया दोनों क्या है, बराबर। तो वैसे ही उसने करना था उसको ये, उसने कर दिया ये, लेकिन दोनों कर फिर भी आंसर उसका सही आ गया, डैट मीन्स कि दोनों क्या है, बराबर हैं, इक्वल है, राइट और रॉन्ग। यानी एन स्क्वायर माइनस 25 ये क्या है, एन माइनस 25 का होल स्क्वायर इक्वल है। अब आपको कभी भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए एन स्क्वायर माइनस 25, इसको मैं क्या कर दूँ, इसको मैं वो कर दूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 इंटू 2 50n। देखो n से n कैंसिल, अब देखो इस n को मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो कितना हो गया 50n, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ तो 625 और प्लस 25 650, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया n की वैल्यू 13 5 65। यानी n जो संख्या, कौन सी संख्या दी गई थी, वो दी गई थी 13। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये देखिए सीजीएल मेंस 2015 में पूछा गया, तो पेपर टफ नहीं था आपको, ये तो मैं लिखने दिखाने के लिए क्या था, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखना था, और ये इसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए था, जो आपको मैंने अभी बिल्ड किया कि लाइफ में अब कभी भी ऐसा गलतियाँ नहीं हो सकती। तो ये रहा 10 क्वेश्चन मैंने लिया। कुछ लोग देखो बोल रहे हैं कि 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, यार मेरे पास भी टाइम नहीं है, ठीक है, तो जितना मैं दे रहा हूँ ना तो उतना यूज करना सीखो। सिर्फ आप इसमें ये नहीं सीख रहे हो कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है, बुक्स में भी सॉल्यूशन दिया रहेगा, लेकिन आपको ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं, कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रांग हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अब मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जो लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है ना, वो 70 डेज मैथ कोर्स ज्वाइन कर लें। ये सिर्फ इसकी कॉस्ट है 200 रुपये, अनलिमिटेड टाइम के लिए है। इसमें क्या है, 400 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, अर्थमेटिक और एडवांस में दोनों टॉपिक्स कंप्लीट कराया गया है। इस टॉपिक्स की आपको PDF मिलेगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, एंड डाउट ग्रुप की फैसिलिटी मिलेगी ताकि आप वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सको। जो करेंटली जो बैच रनिंग, ये कोर्स, ये 98% इसमें सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप ज्वाइन करोगे तो भी आपका पूरा का पूरा आपको 100% कोर्स मिलेगा इसमें। तो जो लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है ना, वो ये कोर्स को ज्वाइन कर लें ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। और रीजनिंग का भी कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया हूँ, इसकी कीमत मैंने रखा हूँ 300, क्योंकि ये अभी रनिंग बैच है, ठीक है। और 300 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो 100+ वीडियो लेक्चर्स, इसमें सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराए जाएंगे, वर्बल प्लस नॉन वर्बल, चाहे आप SSC CGL के स्टूडेंट्स हैं, CPO के हैं, CHSL के हैं, किसी भी, चाहे MTS के हैं, ऑल SSC एग्जाम्स के लिए। इसमें आपको PDF नोट्स भी दिया जा रहा है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए PDF क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, और डाउट ग्रुप की फैसिलिटी भी। तो आपको कैसे ज्वाइन करना है, आपको क्या करना है, पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हो आप, आपके पास ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, गूगल तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा गूगल तेज ऐप्स नंबर है, एंड फोन पे के थ्रू पे कर सकते हो, ये फोन पे ऐप्स मेरा नंबर दिया गया है, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ये आप इसके थ्रू पे कर सकते हो, ये पेटीएम नंबर है, ये तेज ऐप्स नंबर है, ये फोन पे। और जो लोग के पास नहीं है ये तीनों ऐप्स, तो अकाउंट नंबर के भी थ्रू पे कर सकते हैं, यहाँ पे सारा अकाउंट डिटेल्स मेंशन किया गया है। और जो लोग पे करने, आपने पे कर दिया, तो पे करने के बाद क्या है, स्क्रीनशॉट आपकी
पे स्लिप की आपको इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको प्रोवाइड करूँगा लिंक जिसके थ्रू आप सारा कुछ जो मैंने बताया है इस वीडियो में कि क्या क्या मिलेगा वो सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि हमारा जो चैनल अभी 2 लाख पहुँचा है ताकि हमारा चैनल क्या हो, ग्रो करे और आप भी, आपको भी टाइमली सब कुछ मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।